नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। दोस्तों, आप हिंदू हैं तो कभी ना कभी हवन अवश्य किया होगा आपने, क्योंकि सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा अनुष्ठान के बाद हवन अनिवार्य रूप से किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं हम जब हवन यज्ञ करते हैं तो ऐसा क्या लाभ मिलता है, कुछ होता है या नहीं, हमने सारा का सारा आग के अंदर फूंक दिया, क्या किया आपने, ये आपने सब कुछ तो फूंक दिया, ये तो वेस्टेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में बहुत सारे रिवाज, पूजा पाठ और विधान हैं, जिनके पीछे कुछ ना कुछ धार्मिक रहस्य और धार्मिक रहस्य के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य जरूर है। आज हम बात करने वाले हैं यज्ञ या हवन करने के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में पूजा का सबसे अच्छा मार्ग पूजा या हवन ही है। यज्ञ को अग्निहोत्री भी कहा जाता है। यज्ञ का छोटा रूप ही हवन होता है। यज्ञ के लिए एक कुंड तैयार किया जाता है जो मिट्टी या गाय के गोबर से बना होता है। उसमें गाय के गोबर के कंडे, आम या खिचड़ी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अनादि काल से ही हमारे ऋषि मुनियों के दैनिक जीवन से जुड़ी युगों पुरानी सनातन हवन अथवा यज्ञ पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित है। सनातन संस्कृति में पूजा का सबसे अच्छा मार्ग हवन और यज्ञ माना जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में हवन या यज्ञ करने की शास्त्रीय विधि का प्रयोग करके पाया है कि आम की लकड़ी के साथ यदि शुद्ध हवन सामग्री का प्रयोग किया जाए तो एक घंटे के भीतर ही हवन कक्ष में उपस्थित जीवाणु और विषाणु का स्तर 94% कम हो जाता है। चीन, जापान, जर्मनी और यूनान आदि देशों में भी अग्नि को पवित्र माना जाता है। हवन से न सिर्फ भगवान खुश होते हैं, घर तथा वायुमंडल की शुद्धता भी हो जाती है। इस विधि से ही हमारे ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि ईश्वर को रिझाते आए। यज्ञ को अग्निहोत्री भी कहा जाता है और अग्नि ही यज्ञ का प्रधान देवता है। हमारे द्वारा हवन में डाली गई आहुतियां पवित्र अग्नि के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। वैसे यज्ञ तथा हवन करने की प्राचीन सनातन संस्कृति के साक्ष्य पुरातन सभ्यता के अवशेषों विशेषकर कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी पुत्रष्टि, अश्वमेघ और राजसूय आदि विशेष यज्ञों का उल्लेख किया गया है। हवन तथा यज्ञ में सामग्री के साथ साथ विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के प्रयोग का विशेष महत्व होता है तथा हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए भिन्न भिन्न काष्ठीय एवं शकीय पौधों का भी समिधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनादिकाल से चली आ रही इस हवन एवं यज्ञ पद्धति को आज के वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो जहां पर भी हवन किया जाता है उस स्थान के आसपास रोग पैदा करने वाले करोड़ों की संख्या में कीटाणु व विषाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि में मूलतः शुद्धिकरण का गुण होता है जिसके कारण वह अपनी उष्णता से समस्त दोषों व रोगों का नाश करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो उस जमाने के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मनुष्य के जीवन में शांति और मनुष्य जीवन को सकुल बनाने के लिए बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे परंपराएं बनाए, जिनके पीछे छुपे हुए रहस्य का आज लोगों को पता नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इसके पीछे छुपे हुए रहस्य हम आप तक पहुंचाएं। कुछ लोग प्रतिदिन हवन किया करते हैं तो कुछ लोग कभी कभी शुभ अवसरों पर ही हवन किया करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।